हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्रीपीडिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ पार्टिकल्स, कैलकुलेशन ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल्स, इन यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल के अंदर कितने टोटल पार्टिकल मिलते हैं वो आज हम यहाँ कैलकुलेट करना सीखेंगे, और इस चीज़ को हम यूनिट सेल का रैंक भी कहते हैं, दैट इज रैंक ऑफ यूनिट सेल, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। तो आज हम एक तो पार्टिकल्स का कैलकुलेशन करना सीखेंगे, साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल भी हम देंगे, न्यूमेरिकल भी हम पढ़ेंगे इसी कैलकुलेशन ऑफ पार्टिकल के बेसिस पर। तो चलो, सबसे पहला जो सॉलिड हम कंसिडर करके चल रहे हैं वो है सिंपल क्यूबिक सॉलिड से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। सो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहें या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल कहें, ठीक है, दोनों का एक ही मीनिंग है, कन्फ्यूज मत होइएगा आप। सबसे पहले यहाँ हम इसके अंदर कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बात आपको यहाँ याद रख कर ये चलनी है कि यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे एक यूनिट सेल, जबकि किसी भी क्रिस्टल की फॉर्मेशन करने के लिए हमें काफ़ी सारे यूनिट सेल्स ड्रॉ करने होते हैं, क्योंकि हम बात जानते हैं कि यूनिट सेल वो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है जो बार बार रिपीट करते जाने से हमें पूरा का पूरा क्रिस्टल प्रोड्यूस करके देगा। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे सिर्फ एक यूनिट सेल और सोचेंगे हम पूरे के पूरे क्रिस्टल के बारे में। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, आपको थोड़ा ओपन माइंड होकर के बैठना होगा कि एक यूनिट सेल का यूज करके हम किस टाइप से पूरे के पूरे क्रिस्टल की फॉर्मेशन कर सकते हैं, और उसी के बेस पर हम कैलकुलेशन करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। क्लियर है? तो आइए हम पहले एक बार एक क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमने 4 यूनिट सेल्स को कंबाइन करके और एक छोटा सा क्रिस्टल बनाने की कोशिश की है। ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है क्यूब, ये इस पूरे के पूरे सॉलिड का एक यूनिट सेल होगा, क्योंकि इसी को जब हमने इसके राइट में, इसके आगे और इसके इधर डायगनली इसको अरेंज किया है, तभी जा करके कि हमें पूरा का पूरा क्रिस्टल फॉर्म हुआ है, मिला है। लेकिन स्टूडेंट्स, हम 4 यूनिट सेल्स इसके ऊपर भी रख सकते हैं, जैसे एक यूनिट सेल इस आगे वाले के ऊपर, यहाँ पे एक यूनिट सेल यहाँ पर हम रख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ कि एक जो यूनिट सेल है वो हम इसी टाइप से, ये जो क्यूब है ये, ठीक है, इसके ऊपर भी रख सकते हैं, एक जो ये फ्रंट में क्यूब है इसके ऊपर भी रख सकते हैं, एक में जो ये पीछे है इसके ऊपर भी रख सकते हैं, और एक यूनिट सेल यानी ऐसा ही क्यूब हम इस ब्लू कलर के क्यूब के ऊपर भी रख सकते हैं, जिसको हमने फिलहाल कंसिडर किया है, जिसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर है? तो हमें करना क्या है, हमें जानते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वो होते हैं जिसमें पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट हों। सो क्योंकि इस ब्लू ब्लू क्यूब के 8 कॉर्नर्स होंगे, फिलहाल हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉर्नर की बात की है। क्लियर है? तो जिस प्रकार का बिहेवियर एक कॉर्नर शो करेगा, उसी प्रकार से आठों के आठों कॉर्नर बिहेव करते हैं। तो अगर हम एक कॉर्नर पर कैलकुलेट कर पाए कि एक कॉर्नर पर कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं, तो हम 8 से मल्टीप्लाई करके पता लगा पाएंगे कि टोटल 8 कॉर्नर्स पर कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ऐसे हम करके रैंक निकालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि ये जो सर्कल हमने दिखाया है, ये हमने इस सर्कल से रिप्रेजेंट किया है कोई भी एक पार्टिकल जो कि इस ब्लू वाले क्यूब के इस कॉर्नर पर प्रेजेंट है, ठीक है। इसी टाइप के जो पार्टिकल होंगे वो इस क्यूब के हर एक कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। फिलहाल हम सिर्फ इसी कॉर्नर को कंसिडर करते हुए कैलकुलेशन करेंगे। फिलहाल अगर स्टूडेंट्स आपको पूछा जाए कि सिर्फ और सिर्फ जितने क्यूब आपको दिखाई दे रहे हैं 4, इन 4 को क्यूब्स में से कितने ऐसे यूनिट सेल हैं, यानी कितने ऐसे क्यूब हैं जो इस पार्टिकल को टच करेंगे, क्योंकि ये जो पार्टिकल है ये इस कॉर्नर पर प्रेजेंट है,
ये इस ब्लू क्यूब के इस कॉर्नर पर प्रेजेंट है, इस ब्लू यूनिट सेल के क्यूब पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पर। तो कितने ऐसे यूनिट सेल होंगे, कितने ऐसे क्यूब होंगे जो इस कॉर्नर को टच करेंगे? तो आपको फिलहाल यहाँ सिर्फ और सिर्फ चार ही क्यूब दिखाई दे रहे हैं। एक क्यूब तो वो है ही, पहला क्यूब तो ये है ही, दूसरा क्यूब ये होगा, थर्ड क्यूब ये फ्रंट वाला होगा, और फोर्थ क्यूब होगा ये वाला। कि चार क्यूब तो हमें इसी लेयर पर या इसी लेवल पर इस कॉर्नर को टच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम इस क्यूब के ऊपर, यानी इस यूनिट सेल के ऊपर एक यूनिट सेल ड्रॉ कर दें, इसी टाइप से अगर हम यहाँ भी एक यूनिट सेल ड्रॉ कर दें, अगर हम यहाँ भी एक यूनिट सेल ड्रॉ कर दें, और अगर हम इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल ड्रॉ कर दें, तो चार यूनिट सेल तो ये नीचे वाले लेयर पर काम करेंगे, और चार यूनिट सेल वो होंगे जो इनके ऊपर रखे जाएंगे। ठीक है, चार यूनिट सेल ऐसे होंगे जो इसके ऊपर की तरफ प्लेस किए जाएंगे। तुम देख पा रहे हैं कि ये जो कॉर्नर पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है, ये टोटली 8 यूनिट सेल्स में कंट्रीब्यूट करता है, यानी इसका कुछ कुछ हिस्सा 8ों यूनिट सेल्स में प्रेजेंट है। 4 यूनिट सेल जो इस लेवल पर प्रेजेंट हैं, और 4 यूनिट सेल जो इसके ऊपर लेवल पर बनाए जाएंगे वहां भी, क्योंकि अगर इसके ऊपर हम कोशिश करें बनाने की, तो उसका एक जो कॉर्नर, एक जो यूनिट सेल होगा उसका कॉर्नर यहाँ इस पॉइंट पे टच करेगा, वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है, इस टाइप से प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस टाइप से प्रेजेंट होगा। तो ये जो यूनिट सेल है जो इसके ऊपर ड्रॉ किया गया है, इसका कॉर्नर भी इस वाले यूनिट सेल के साथ और इस वाले एटम के साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। तुम कह सकते हैं कि सिंस कि जो कॉर्नर वाला जो पार्टिकल है, सिंस वन कॉर्नर पार्टिकल, वन कॉर्नर यानी एक कॉर्नर के ऊपर जो पार्टिकल प्रेजेंट है, वन कॉर्नर पार्टिकल इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स, 8 यूनिट सेल, कि एक कॉर्नर पार्टिकल वो है 8 यूनिट सेल द्वारा शेयर किया जाता है। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट पार्टिकल, कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट पार्टिकल इन 1 यूनिट सेल, पार्टिकल इन 1 यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल में उसका कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, दैट इज 1/8। क्योंकि एक कॉर्नर पार्टिकल 8 यूनिट सेल द्वारा शेयर किया जाता है, तो सिर्फ एक यूनिट सेल में उसका कितना पोर्शन आएगा, 1/8। सिंस सिंस नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन ए यूनिट सेल, इन ए यूनिट सेल विल बी 8। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ कॉर्नर जो होते हैं किसी भी यूनिट सेल में वो 8 होते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल, और कह सकते हैं इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल विल बी 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1। कि टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 होंगे। सो हम कह सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो रैंक है, रैंक दैट इज जो जेड की वैल्यू है, वो 1 आती है। कैसे आती है, कि 1/8 एक कॉर्नर ने शेयर किया है, टोटल कॉर्नर कितने प्रेजेंट है, 8। ठीक है, सो टोटल जो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे वही होंगे। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल लैटिस पॉइंट कितने हैं, सो हम जानते हैं लैटिस पॉइंट वो पॉइंट होते हैं, वो साइट होती है जहां पर हमें उस क्रिस्टल का कोई ना कोई पार्टिकल मिलेगा ही मिलेगा। सो हमने देखा कि एक क्यूब के 8 कॉर्नर थे, और हर एक कॉर्नर पर कुछ ना कुछ हिस्सा किसी ना किसी पार्टिकल का तो हमें मिला ही है। सो लैटिस पॉइंट की अगर बात की जाएंगे तो वो टोटल 8 ही होंगे, क्योंकि लैटिस पॉइंट में हम सिर्फ ये देखते हैं कि टोटल ऐसे कितने पॉइंट हैं जिन पॉइंट्स पर कोई ना कोई पार्टिकल रखा हुआ है, चाहे वो कंप्लीट हो, चाहे वो हाफ हो, चाहे 1/4 हो, चाहे 1/8 हो। इससे हमें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो लैटिस पॉइंट में सिर्फ ये देखना है कि पॉइंट कितने हैं जहाँ पर पार्टिकल रखे हुए हैं, लेकिन जब रैंक कैलकुलेट करते हैं तो हमें कंट्रीब्यूशन देखना होता है कि टोटल कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1 आया। इसलिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो रैंक बनता है वो 1 बनता है, और लैटिस पॉइंट जो रहते हैं वो 8।
क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो फिर से हम एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्लियर सो है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, इसमें कॉर्नर्स पर 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, साथ ही साथ बॉडी के सेंटर पे भी एक पार्टिकल प्रेजेंट है। इसमें हमें कैलकुलेट करना है कि इस यूनिट सेल का रैंक हमें कितना मिलेगा। दैट इज, इसका जो रैंक है वो क्या है, वो हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है, यानी जड़ की वैल्यू हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं हम कॉर्नर पॉइंट्स की। कॉर्नर पॉइंट्स पर जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक जो कॉर्नर होता है वो 1/8 शेयरिंग करता है, क्योंकि इसके आसपास हम चार जो यूनिट सेल हैं वो तो इसी लेवल पर ड्रॉ कर पाएंगे, और चार जो यूनिट सेल होंगे वो उसके अपर लेवल पर ड्रॉ होंगे। सो कुल मिलाकर के हर एक जो कॉर्नर पॉइंट है वो 1/8 की शेयरिंग शो करता है। ठीक है, सो टोटल जो कॉर्नर्स हैं वो 8 हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉर्नर का जो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा, कहते हैं एट कॉर्नर, लिखेंगे एट कॉर्नर ईच पार्टिकल कंट्रीब्यूट, ईच पार्टिकल कंट्रीब्यूट, ईच पार्टिकल कंट्रीब्यूट 1/8 टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर जो पॉइंट है, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर वो कितने हैं, 8। ठीक है, सो टोटल कंट्रीब्यूशन, सो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम्स, या वो लिख सकते हैं कॉर्नर एटम्स या कॉर्नर पार्टिकल्स। कॉर्नर पार्टिकल्स का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आया है, 1/8 × 8, दैट इज 1। अब बात करते हैं एट बॉडी सेंटर की। ये जो पार्टिकल इस यूनिट सेल के बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है, वो तो किसी और दूसरे यूनिट सेल के साथ शेयरिंग नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि शेयरिंग करने के लिए टच चाहिए, और कोई भी यूनिट सेल इस यूनिट सेल के मिडल पॉइंट तक नहीं आ सकता है। अगर कोई दूसरे यूनिट सेल की प्लेसमेंट भी करेंगे तो वो कॉर्नर पॉइंट्स तक ही होगी, इस यूनिट सेल के इंटीरियर पोर्शन में वो नहीं एंटर कर सकता है। इसी हम कह सकते हैं कि बॉडी सेंटर की अगर हम बात करें, सो नो अदर यूनिट सेल कैन कंट्रीब्यूट एट बॉडी सेंटर, नो अदर यूनिट सेल, कोई भी दूसरा यूनिट सेल शेयरिंग नहीं कर सकता। नो अदर यूनिट सेल कैन शेयर पार्टिकल। सो अगर बॉडी सेंटर पर टोटल 1 पार्टिकल प्रेजेंट है तो वो 1 पार्टिकल इसी के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि दूसरा कोई यूनिट सेल इसके साथ कॉन्टेक्ट में नहीं आ सकता, तो वो शेयरिंग नहीं कर पाएगा। सो टोटल कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें बॉडी सेंटर का, तो वो 1 आ गया, क्योंकि 1 पार्टिकल प्रेजेंट है और उसको कोई शेयर नहीं करेगा। सो टोटल कंट्रीब्यूशन एट बॉडी सेंटर वो हमारे पास 1 है। सो 1 पार्टिकल तो हमें बॉडी सेंटर पर मिला है, और टोटल 1 पार्टिकल हमें मिला है कॉर्नर्स पर। सो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड अगर क्यूबिक यूनिट सेल की हम बात करें, सो वो कितना है, 1 कॉर्नर के लिए और 1 बॉडी सेंटर के लिए, 2, टोटल 2। तो इसका जो रैंक आता है वो आता है 2। लेकिन हमसे अगर कोई पूछे कि कंप्लीट लैटिस पॉइंट हमें बताएं, हमें लैटिस पॉइंट बताएं कि लैटिस पॉइंट कितने होंगे, सो 8 लैटिस पॉइंट तो हैं कॉर्नर्स वाले, जहां पर कोई ना कोई पार्टिकल प्रेजेंट है, चाहे उसका कितना ही भी फ्रैक्शन इंक्लूड होता हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सो 8 पार्टिकल या 8 पॉइंट्स तो कॉर्नर के लिए हैं, और 1 पॉइंट अब बॉडी के सेंटर पर। सो टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इसमें 9 होते हैं, रैंक इसका 2 आता है, 2, और लैटिस पॉइंट होते हैं 9। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट फेस सेंटर की तरफ। सो थर्ड जो कंट्रीब्यूशन हम करेंगे या कैलकुलेशन करेंगे, वो करेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए, कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल कितने पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके लिए हमें एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल ड्रॉ करना होगा। सो आइए बार ड्रॉ कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले भाई कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन हम चेक करेंगे। सो एट कॉर्नर हम पढ़ चुके हैं 1/8 ईच कॉर्नर शेयर करता है। ठीक है, और टोटल जो कॉर्नर है वो हमारे पास में 8 है।
सो टोटल कंट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे कॉर्नर्स का, तो वो आएगा हमारे पास में 1/8 इंटू 8, दैट इज 1। अब लेट चलते हैं फेस सेंटर पार्टिकल्स की तरफ, एट फेस सेंटर। सो फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखें तो फेस के सेंटर पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो सिर्फ दो ही यूनिट सेल्स के साथ कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि अगर हम इस पार्टिकल की बात करेंगे तो एक पार्ट, ये जो पार्टिकल है ये इस पर्टिकुलर येलो कलर वाले क्यूब में तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा है, और अगर हम इसके यहाँ इधर एक और क्यूब हम ड्रॉ करें, यानी एक और यूनिट सेल हम ड्रॉ करें, तो वो इस यूनिट सेल के साथ भी क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। इस यूनिट सेल के साथ भी क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, कुछ इस टाइप से। अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं यहाँ एक यूनिट सेल, क्लियर है, कुछ इस टाइप से। तो ये जो पार्टिकल था, ये पार्टिकल, ये ब्लू कलर का जो पार्टिकल था, ये इस येलो कलर वाले क्यूबिक यूनिट सेल के साथ तो शेयरिंग करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ये जो रेड वाला जो क्यूब बनाया गया है इसके साथ भी शेयरिंग करेगा। लेकिन क्योंकि ये जो पार्टिकल है ये इसके फेस के सेंटर में प्रेजेंट है, सो और कोई यूनिट सेल, चाहे इसके ऊपर लिखा हो, रखा गया हो, चाहे रेड वाले के ऊपर रखा गया हो, चाहे येलो वाले के ऊपर रखा गया हो, चाहे इनके पीछे रखा गया हो, तो ये उसके साथ शेयरिंग नहीं करता है, ये वाला पार्टिकल। तो हम पहले सिर्फ किसी एक पार्टिकल के लिए टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, क्योंकि हमें पता है 6 फेस प्रेजेंट होते हैं किसी क्यूब के। तो एक जो पार्टिकल ने फिलहाल कंट्रीब्यूशन शो किया है वो 2 में, तो लिखेंगे ईच ईच फेस सेंटर पार्टिकल इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स, इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स, 2 यूनिट सेल्स द्वारा वो शेयर किया गया है, ठीक है। सो इट्स कंट्रीब्यूशन इन 1 यूनिट सेल, इट्स कंट्रीब्यूशन इन 1 यूनिट सेल, तो 1 यूनिट सेल में इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 1/2, क्लियर है। और टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं, या टोटल नंबर ऑफ फेस सेंटर पार्टिकल हैं, वो कितने हैं? सो टोटल नंबर ऑफ फेस सेंटर पार्टिकल हमारे पास में है, ठीक है, वो है 6। सो हर एक पार्टिकल जो है वो 1/2 शेयरिंग करता है, सो टोटल शेयरिंग, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर पार्टिकल्स, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर्ड पार्टिकल्स कितना लिखा जाएगा? एक पार्टिकल ने शेयर किया 1/2, टोटल पार्टिकल 6 है, यानी आ गया 3। सो हम कह सकते हैं कि टोटल कंट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे इस पूरे के पूरे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, यानी FCC में, तो एक पार्टिकल तो हमें मिला है किसके लिए? कॉर्नर के लिए, और 3 पार्टिकल हमें मिले हैं फेस सेंटर के लिए। सर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं 4, यानी इसका जो रैंक आता है वो 4। और अगर टोटल नंबर ऑफ लैटिसेस पॉइंट्स की हम बात करें कि कितने ऐसे पॉइंट हैं जहां पर पार्टिकल प्रेजेंट हैं, तो ऐसे पार्टिकल 8 तो कॉर्नर्स के हैं और 6 हमारे फेस सेंटर के हैं। सो टोटल 14 लैटिसेस पॉइंट हैं, रैंक इस सॉलिड का या इस क्यूब का होगा 4। चलते हैं अपने नेक्स्ट सॉलिड क्यूब, चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट सेल की तरफ, जिसका नाम है एज सेंटर्ड यूनिट सेल, एज सेंटर्ड यूनिट सेल। वो टोटल कितने पार्टिकल कैरी करता है, ठीक है, यानी उसके लिए हम निकालेंगे रैंक। सो हम एक एज सेंटर्ड यूनिट सेल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। सो फ्रेंड्स, ये हमने एक एज सेंटर्ड यूनिट सेल बनाया जिसमें पार्टिकल कॉर्नर पर तो प्रेजेंट है ही, साथ ही साथ हर एक एज के सेंटर में भी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले भाई कंट्रीब्यूशन हम चेक करते हैं कॉर्नर्स का। तो अभी तक हम 3 केसेस करके आ चुके हैं, कॉर्नर्स पे जो कंट्रीब्यूशन होता है वो है 1/8 × 8, यानी 1। अब बात करते हैं एज सेंटर के पार्टिकल्स का। अगर आप ध्यान से देखें तो जो पार्टिकल है वो बिल्कुल एज के सेंटर पर प्रेजेंट है, और इस क्यूब की किसी भी एज को आप कंसिडर कर लें, एक एज
चार यूनिट सेल्स के साथ कंट्रीब्यूट करती है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम इस एज की बात करते हैं, ये और ये जो पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है, इस एज की अगर बात करते हैं तो इस एज के लिए एक यूनिट सेल तो ये है, एक यूनिट सेल वो होगा जो इसके इधर बनाया जाएगा ऐसे, ठीक है। तो दो यूनिट सेल तो ये हो गए, एक ये है, एक ये दो, एक दो यूनिट सेल होगा जो इसके ऊपर बनाया जाएगा ऐसे ऊपर इधर, ठीक है, यहाँ तीसरा, और एक दो यूनिट सेल होगा वो इसके इधर बनाया जाएगा जो, ठीक है, ये फोर्थ। तो एक यूनिट सेल यहाँ से, दूसरा यूनिट सेल यहाँ से, तीसरा यूनिट सेल यहाँ से, फोर्थ यूनिट सेल यहाँ से। तो ये जो एज है, ये एज चार यूनिट सेल्स ने शेयर की है, तो इस पर प्रेजेंट जो पार्टिकल होगा वो भी चार यूनिट सेल्स द्वारा शेयर होगा। सो लिखेंगे एट एज सेंटर, ईच पार्टिकल, एज के सेंटर पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है, ईच पार्टिकल इज शेयर्ड बाय, ईच पार्टिकल इज शेयर्ड बाय फोर यूनिट सेल्स, चार यूनिट सेल द्वारा वो शेयर किया जाता है। सो कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन वन यूनिट सेल, विल बी, एक यूनिट सेल में जो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, 1/4। टोटल जो पार्टिकल है वो चार यूनिट सेल द्वारा शेयर किया जाता है, तो एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है, 1/4। और अगर हम बात करें कि ऐसे ऐसे टोटल एज होती कितनी है, तो एक क्यूब में 12 एज होती हैं, ठीक है। सो टोटल जो कंट्रीब्यूशन होगा एज का, टोटल एज जो कंट्रीब्यूशन है, टोटल एज पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो है 1/4, एक का 12 प्रेजेंट होंगे, सो टोटल कितना हो गया, 3। सो 3 पार्टिकल्स एज के लिए और एक पार्टिकल प्रेजेंट है आपके कॉर्नर्स के लिए। सो लिख सकते हैं, सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या टोटल कंट्रीब्यूशन इन एज सेंटर्ड यूनिट सेल, की अगर बात कर लें तो एक कॉर्नर के लिए है और 3 हमारे पास एज सेंटर के लिए है। सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 4 है, तो इसका जो रैंक है वो भी हमें कितना मिलेगा, 4। लेकिन अगर लैटिसेस पॉइंट की बात करेंगे, अगर हम लैटिस पॉइंट की बात करेंगे तो लैटिस पॉइंट 8 पॉइंट तो कॉर्नर के हैं और 12 पॉइंट हमारे एज सेंटर हैं। सो टोटल जो पॉइंट है वो है 20, लैटिस पॉइंट मिलेंगे 20, लेकिन जो रैंक होगा वो होगा 4। और जो लास्ट यूनिट सेल बचता है हमारे लिए, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, की हम बात करेंगे, उसमें कितना कंट्रीब्यूशन आता है वो और देख लेते हैं हम एक बार। तो चलिए एक बार ड्रॉ करते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सो फ्रेंड्स, ये हमने एक एज सेंटर्ड यूनिट सेल ड्रॉ कर लिया है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। तो सबसे पहले कॉर्नर ले लेते हैं। कॉर्नर पर जैसे कि हम काफी बार कर चुके हैं, कॉर्नर के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 × 8 होता है, क्योंकि हर एक कॉर्नर कंट्रीब्यूट करता है 1/8, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर होते हैं 8, सो टोटल कंट्रीब्यूशन आए 1। अब बात करते हैं एंड सेंटर्ड। एक्चुअली में जो एंड सेंटर्ड में जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं फेस सेंटर पर, लेकिन सिर्फ जो पार्टिकल होते हैं वो दो ही होते हैं, या दो ही फेसेस पर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो हम जानते हैं कि एट फेस सेंटर जो पार्टिकल प्रेजेंट होता है वो दो यूनिट सेल्स में शेयर करता है, एक ही ये खुद और एक किसके, अगर इधर हम बना देंगे ऐसे, ठीक है, तो उसके साथ भी ये जो पार्टिकल है ये शेयरिंग करेगा इस टाइप से, कि जो पार्टिकल है वो इस येलो कलर वाले के साथ साथ इस ब्लू कलर वाले क्यूब के साथ भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो फेस सेंटर पर जो पार्टिकल है वो 1/2 शेयरिंग करता है एक यूनिट सेल में, और जो टोटल पार्टिकल होंगे हम यहाँ एंड सेंटर में, तो टोटल फेस सेंटर जो पार्टिकल्स हैं वो हैं 2, ठीक है, अपोजिट एंड्स पर मिलेंगे। सो अगर टोटल कंट्रीब्यूशन हम देखे जाएं, टोटल कंट्रीब्यूशन अगर हम चेक करें किसमें, यहाँ तो एक पार्टिकल का 1/2 कंट्रीब्यूट करता है, सो टोटल पार्टिकल 2 हैं, सो एक कंट्रीब्यूशन आया इनके लिए। सो हम लिख सकते हैं कि इन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, वो कितने हैं हमारे पास में, एक कॉर्नर के लिए और एक है फेस सेंटर के लिए, सो 2। सो इसका जो रैंक है वो भी कितना आता है, 2। लेकिन अगर लैटिस पॉइंट की बात करेंगे,
तो लैटिस पॉइंट होगा 8 कोरोनर एटम है, 2 फेस सेंटर एटम है कुल मिलाकर के, ठीक है। सो इस टाइप से हम इजिली किसी भी यूनिट सेल के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो एक बार समरी कर लेते हैं हम। समरी में हमने देखा कि सबसे पहला जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल थे या टोटल जो कंट्रीब्यूशन आया था वो आया था 1, यानी उसका जो रैंक है वो 1 है। अगर फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे तो टोटल 4 पार्टिकल्स थे। एंड सेंटर्ड की अगर यूनिट सेल की बात करें, एंड सेंटर्ड, तो पार्टिकल 2 थे, अभी अभी कैलकुलेट किया। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की अगर बात करें तो वहां भी पार्टिकल 2 थे, और एज सेंटर्ड यूनिट सेल की अगर बात करें तो वहां टोटल पार्टिकल 4 थे। सो ये कोरस्पॉन्डिंग इनके क्या है, रैंक है। अगर लैटिसेस पॉइंट की बात करें तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 होते हैं, फेस सेंटर में होते हैं 14, एंड सेंटर में होते हैं 10, बॉडी सेंटर में होते हैं 9, और एज सेंटर में होते हैं 20। सो ये हमने एक समरी भी इनकी कर ली। तो चाहिए आइए चलते हैं, एक एक दो क्वेश्चन हम इनके ट्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है, कंपाउंड इज फाउंड बाय टू एलिमेंट्स ए एंड बी विच हैज अ क्यूबिक अरेंजमेंट इन विच एटम ए आर एट कॉर्नर्स, ठीक है, एंड एटम बी आर एट द फेस सेंटर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? हमसे पूछा गया है कि कंपाउंड बनाने के लिए दो एलिमेंट कंबाइन हुए हैं क्यूबिक अरेंजमेंट में, इसमें एलिमेंट ए के जो एटम है वो कॉर्नर पर प्रेजेंट है, और जो एटम बी के जो एलिमेंट बी के एटम है वो फेस सेंटर पर प्रेजेंट है। हमें इस कंपाउंड का फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। सो देखो स्टार्टिंग करते हैं, हम जानते हैं कि ए के जो पार्टिकल्स हैं, ए एलिमेंट के जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो कॉर्नर पर प्रेजेंट हैं। सो हम जानते हैं कि ईच कॉर्नर जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है 1/8, ईच एटम कंट्रीब्यूट 1/8। टोटल कॉर्नर कितने होते हैं? 8। टोटल कॉर्नर होते हैं 8। सो टोटल कंट्रीब्यूशन कॉर्नर का कितना आएगा? 1/8 × 8 यानी 1। सो कॉर्नर पर कौन प्रेजेंट था? कॉर्नर पर प्रेजेंट थे एलिमेंट ए के एटम्स। इट मीन्स ए के जो टोटल एटम्स आए हैं वो कितने आए हैं? ए एटम्स, ए के जो एटम आए वो कितने हैं? 1। एटम्स ऑफ ए इक्वल टू 1, क्योंकि कॉर्नर्स पर ए के ही एटम्स रखे हुए थे, तो एलिमेंट ए के जो एटम है वो टोटल 1 है। इसी टाइप से अगर चलते हुए हम देखें कि जो है बी के एटम्स प्रेजेंट हैं वो फेस सेंटर पर प्रेजेंट हैं, और हम जानते हैं ईच फेस कंट्रीब्यूट 1/2, हर एक फेस कंट्रीब्यूट करता है 1/2, और किसी भी क्यूब में टोटल फेस कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ फेस अगर देखें, टोटल नंबर ऑफ फेस वो कितने होते हैं? 6। सो टोटल अगर कंट्रीब्यूशन यहां से हम देखेंगे तो कितना आएगा? 1/2 × 6 यानी कि 3, ठीक है। सो ये जो 3 यहां से आया है, ये एटम किसके आए हैं? बी के, ये एटम्स हैं बी के, वो है 3। तो उसने हमसे पूछा फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का, तो हम निकालेंगे ए रेशियो बी। ए के पार्टिकल कितने थे? 1। बी के पार्टिकल कितने हैं? 3। जो फॉर्मूला बनेगा कंपाउंड का, AB3। इस तरीके से हम इजली चुके हैं वो किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें बताए कि वो पार्टिकल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो क्लियर है। सो एक और यूनिट सेल, उसका रैंक हम कैलकुलेट करेंगे, वो है आपका हेक्सागोनल यूनिट सेल, ठीक है। हेक्सागोनल यूनिट सेल के आपको यूनिट सेल पार्टिकल कैलकुलेट करने हैं, हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो सबसे पहले एक हेक्सागोनल यूनिट सेल हम बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने एक हेक्सागोनल टाइप यूनिट सेल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो बता दूं कि मैं कॉर्नर्स पर तो होंगे ही होंगे हमेशा, जैसे बताए गए हैं, ठीक है। इसमें एक हेक्सागन ऊपर की तरफ है अपर फेस पर, एक हेक्सागन नीचे है लोअर फेस पर। तो इसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो कॉर्नर के जो पॉइंट हैं वो 12 हैं, 2 होते हैं फेस सेंटर एक एटम, एक फेस सेंटर एटम होगा अपर फेस पर, एक फेस सेंटर एटम होगा लोअर फेस पर, और 3 इसके अंदर मिलते हैं बॉडी सेंटर यूनिट्स पार्टिकल्स। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है एक हेक्सागोनल यूनिट सेल का। ये 3 होंगे इसके बॉडी सेंटर पर, 12 हैं कॉर्नर्स पर, और 2 होते हैं फेस सेंटर पर। सो चलो कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं कॉर्नर्स का।
अगर कॉर्नर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हेक्सागन के अंदर ये जो एंगल है ये 120 डिग्री होता है, और जो टोटल हमारे पास एक कंप्लीट राउंड होता है सर्कल उसमें 360 डिग्री होते हैं। सो 360 बाय 120 अगर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे 3 यूनिट सेल इस फेस पर रखे जा सकते हैं, यानी इसी इसी लेवल पर। एक यूनिट सेल ये है, एक यहाँ से ऐसे बनाया जा सकता है, क्लियर है, ऐसे बन सकता है, और तीसरा जो है वो उधर से ऐसे बन सकता है। सो 3 यूनिट सेल तो इसी लेवल पर रखे जा सकते हैं, और 3 यूनिट सेल जो है वो इसके ऊपर रखे जा सकते हैं, एक इसके ऊपर, दूसरा इसके ऊपर, तीसरा इस ब्लू वाले के ऊपर। तो कुल मिलाकर के अगर एक कॉर्नर पॉइंट की बात की जाए तो वो 6 यूनिट सेल्स के अंदर शेयरिंग करता है। तो यहाँ लिखेंगे ईच कॉर्नर शेयर्स इन 6 यूनिट सेल्स, सो इट्स कंट्रीब्यूशन इन 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1/6। टोटल जो कॉर्नर है वो कितने हैं, 12। टोटल जो कॉर्नर है वो कितने हैं हमारे पास में, 12 हैं, ठीक है। तो हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, सो टोटल कंट्रीब्यूशन अगर देखें हम कॉर्नर पॉइंट का, सो टोटल कंट्रीब्यूशन विल बी, ठीक, वो टोटल कंट्रीब्यूशन विल बी 1/6 × 12 इक्वल टू 2, ठीक है। एक का कितना है, 1/6, ठीक है। तो 12 कॉर्नर है, सो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है यहाँ पर कॉर्नर के लिए, 2। अब बात करते हैं फेस सेंटर की। फेस सेंटर के जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये पार्टिकल जो है वो फेस सेंटर के पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल फेस सेंटर का है। तो फेस सेंटर के पार्टिकल हमेशा हाफ कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि इस फेस के ऊपर सिर्फ एक और ही दूसरा यूनिट सेल रखा जा सकता है। तो अगर हम इसके ऊपर कोई दूसरा यूनिट सेल भी रखेंगे तो ये पार्टिकल इस ब्लू वाले के साथ तो शेयरिंग करेगा ही करेगा, इस ब्लू वाले के ऊपर जो यूनिट सेल रखा जाएगा उसके साथ भी शेयरिंग करेगा। तो लिख सकते हैं कि ईच फेस सेंटर शेयर इन 2 यूनिट सेल, 2 यूनिट सेल के साथ शेयरिंग करता है। सो कंट्रीब्यूशन इन 1 यूनिट सेल, अगर हम एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन चेक करें कितना आएगा, वो आएगा 1/2। अगर दो में कंप्लीट एक है तो एक में कितना है, 1/2। और टोटल फेस सेंटर पार्टिकल कितने हैं, टोटल फेस सेंटर जो पार्टिकल है वो है हमारे पास 2। सो टोटल फेस कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, टोटल फेस कंट्रीब्यूशन हमारे पास में आ गया है 1/2 × 2, यानी कि 1। और अब लास्ट पॉइंट बचे जो बॉडी सेंटर पे हैं, तो हमें पता है कि बॉडी सेंटर पर जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो किसी के साथ शेयरिंग नहीं करते। सो बॉडी सेंटर पर पार्टिकल कितने प्रेजेंट हैं, 3। सो उनका टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 3। सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अगर हम देखें तो एक हमारे पास प्रेजेंट है फेस सेंटर, दो हमारे पास प्रेजेंट है कॉर्नर के लिए, और 3 हमारे पास प्रेजेंट है बॉडी सेंटर के लिए। सो टोटल जो रैंक आया इस हेक्सागोनल यूनिट सेल का वो 3 + 2 + 1, जो कि है 6। और अगर हमसे कोई लैटिस पॉइंट पूछे, लैटिस पॉइंट कितने हैं, अगर लैटिस पॉइंट पूछेगा तो 12 लैटिस पॉइंट कॉर्नर के हैं, 2 लैटिस पॉइंट फेस सेंटर के हैं, और 30 लैटिस पॉइंट हमारे पास बॉडी सेंटर के हैं। तो लैटिस पॉइंट कितने हैं, टोटल 17। रैंक कितना है, 6, रैंक 6 है, और लैटिस पॉइंट कितने हैं, 17। सो स्टूडेंट आज के लेक्चर में बस इतना ही, कल हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से स्टार्टिंग करेंगे।